हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी केबीसी द्वारा दुर्गा पूजा के अवसर पर श्रेष्ठ पूजा पंडाल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। कल 15 तारीख की रात्रि को ठीक 12 बजे इसकी वोटिंग लाइन भी बंद हो गई। इस दौरान जिले के 36,000 से भी अधिक मतदाताओं ने इस प्रतियोगिता में शामिल होकर अपने अपने कीमती वोट का प्रयोग किया। इन सभी मतदाताओं का केबीसी न्यूज तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है, लेकिन इसके परिणामों को लेकर मामला अटक गया है। इसके परिणामों की घोषणा में थोड़ा विलंब होता नजर आ रहा है। हम आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता में कुल 13 पूजा क्लबों को शामिल किया गया था, लेकिन इस प्रतियोगिता में शामिल एक पूजा क्लब संघर्ष क्लब चूना गली द्वारा विसर्जन जुलूस के दौरान कानूनी, सामाजिक और नैतिक सभी मापदंडों की धज्जियां उड़ा दी गई। विसर्जन जुलूस के दौरान क्लब के सदस्यों द्वारा एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान में घुसकर जिस तरह की गुंडागर्दी की गई वह पूरी तरह निंदनीय और शर्मसार करने वाली है। आप खुद देखिए इस वीडियो में संघर्ष क्लब के कुछ सदस्य बांस लेकर किस तरह एक दुकान में गुंडागर्दी कर रहे हैं। अब आप ध्यान से देखिए इस वीडियो में, देखने से स्पष्ट पता चल रहा है कि ये सब लड़के नशे में पूरी तरह धुत है। अब थोड़ा और गौर से देखिए, ये लड़के अवैध हथियार भी लिए हुए हैं। ध्यान से देखिएगा। देखा आपने किस तरह की गुंडागर्दी संघर्ष क्लब के लड़के कर रहे हैं। इन लोगों ने पिस्तौल की दहशत बनाकर दुकानदार से कुछ पैसे भी ऐंठ लिए। मिली जानकारी के अनुसार लड़कों ने आसपास के कई दुकानों के साथ भी इस करतूत को अंजाम दिया है। मिली जानकारी के अनुसार घटना के बाद कटिहार के तथा कथित कुछ बड़े नेता मौके पर पहुंचे और मामले को रफा दफा करवा दिया। अब सवाल तो जिला पुलिस से है, क्या उनके जवानों की मौजूदगी इस विसर्जन जुलूस में थी या नहीं? अगर थी तो उन सुरक्षा कर्मियों के सामने क्लब के लड़के नशे में धुत होकर कैसे चल रहे थे? और सवाल यह भी है कि शरेसाम ये लड़के बांस लेकर दुकान में कैसे घुस गए और पिस्टल की दहशत बनाकर दुकानदारों से पैसे कैसे ऐंठ लिए? भले ही शहर के व्यवसायी डर से कुछ ना कह पा रहे हो, लेकिन सवाल तो इस बात का है कि क्या जिला पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा लड़कों के इस गैर कानूनी हरकत पर कोई कार्रवाई करेंगे? इसी मुद्दे के कारण प्रतियोगिता के परिणामों के फैसले का मामला अनुशासनात्मक समिति यानी डिसिप्लिनरी कमेटी के पास भेज दिया गया है। अब यह कमेटी ही फैसला करेगी कि संघर्ष क्लब को प्रतियोगिता में बरकरार रखा जाए या उसे प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाए, क्योंकि केबीसी की शुरू से यह कोशिश रही है कि कटिहार शहर में सामाजिक सौहार्द, आपसी भाईचारा और शांति व्यवस्था कायम रहे, और अगर कोई इन चीज़ों को भंग करने की कोशिश करता है तो उसके विरुद्ध आवाज़ उठाएं। फिलहाल देखना यह है कि इस मामले पर अनुशासनात्मक कमेटी क्या फैसला लेती है। फिलहाल इंतजार कीजिए 24 घंटे का। कल 17 अक्टूबर की इवनिंग बुलेटिन में प्रतियोगिता के परिणामों की घोषणा कर दी जाएगी। पूजा का मौसम, उपहारों का मौसम, आपकी पूजा को और भी सुंदर बनाने के लिए आदर्श अंकिता भी है अब पूरी तरह तैयार। हर खरीदी पर उपहार भी, अब आपका बच्चा भी बनेगा नन्हा दूल्हा। लड़कियों और महिलाओं के लिए सारी सलवार से लेकर क्रॉप टॉप और गाउन तक, लड़कों और पुरुषों के लिए जींस और टी शर्ट से लेकर शेरवानी, कोट और ब्लेजर तक, बच्चों की भी हर जरूरतें होंगी पूरी एक ही छत के नीचे, आपके परिवार की जरूरतें होंगी पूरी। आदर्श अंकिता गारमेंट, मम्मी पापा कॉम्प्लेक्स, गर्ल्स स्कूल रोड, कटिहार। मोबाइल नंबर 6207577391।